तो फ्रेंड्स, आज मैं मिलाने वाला हूँ ऐसे शख्स से जो कि साउथ कोरिया से, जिसने अब तक हजारों बच्चों की जिंदगी को बचाया है, और उसने एक ऐसा बॉक्स इन्वेंट किया जिसकी मदद से आज हजारों बच्चों की जिंदगी को बचा चुका है, सोसाइटी में एक चेंज लाया है। और इस वीडियो में जाने आखिर ये है कौन और ये क्यों कर रहे हैं, किस तरीके से इस बॉक्स ने सोसाइटी में एक चेंज लाया है और जिसकी मदद से वो आज हजारों बच्चों की जिंदगी को बचा चुके हैं, ये जानने के लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा। लेट्स स्टार्ट। मैं हूं तुषार, इस शो के जरिए बताता हूं मैं बहुत ही अमेजिंग स्टोरीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड की, रियल लाइफ हसर की, जिन्होंने सोसाइटी में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं और अपने लाइफ में कुछ एक्स्ट्रॉडिनरी किया है। आज के लाइफ हसलर है पेस्टर ली, जो कि एक एंजल निकल के आए छोटे बच्चों के लिए, और इन्होंने अब तक 1600 से भी ज्यादा बच्चों की जिंदगी को बचाया है। पिछले 11 साल से वो ये काम कर रहे हैं और पिछले 11 साल से उन्होंने 1600 से भी ज्यादा छोटे बच्चों को बचाया है। आखिर ये क्यों कर रहे हैं? 30 साल पहले जब पेस्टर ली का जब एक बच्चा हुआ था, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन के साथ हुआ था, तो पेस्टर ली का अधिकतर समय हॉस्पिटल में गुजरता था। तो उन्होंने एक चीज नोटिस करी और वो शॉक हो गए ये देख के कि हॉस्पिटल में बहुत से ज़्यादा अबेंडेंट बेबीज हैं जिनके पेरेंट्स उनको छोड़ के चले गए हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को वहाँ पर छोड़ के चले गए हैं। बेसिकली जो सिंगल मदर है वो अपने बहुत से बच्चों को हॉस्पिटल में छोड़ के चली जाती है, और उन्होंने देखा बहुत सी मदर अपने बच्चों को स्ट्रीट पे छोड़ के चले जाते थे, ट्रैश कैन में छोड़ के चले जाते थे, जिसकी वजह से बहुत सी आपने खबरें भी देखी होंगी, यहाँ पे दिखाया जाता है कि बहुत से जो पेरेंट्स अपने बच्चों को गली में छोड़ के चले जाते हैं, कूड़ेदान में, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे मारे जाते हैं। तो पेस्टर ली देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए और इनको बुरा लगा कि आज हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे सिंगल मदर के लिए कोई कल्चर नहीं है, कोई रूल्स नहीं है जहाँ पे वो अपने बच्चे को बढ़ा सके और एक बेटर फ्यूचर दिखा सके। आज की सोसाइटी में एक सिंगल मदर के लिए अपने बच्चे को रेस करना कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि उसको ताने सुनने पड़ते हैं लोगों के और डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है इतना एक बच्चे को रेस करने के लिए, जिसकी वजह से उनके पास सिर्फ एक ही चारा बचता है, या तो वो अपने बच्चे को किसी हॉस्पिटल में छोड़ दे या ऐसे ही कहीं कूड़ेदान में छोड़ दे, ताकि या तो कोई उसको उठा के ले जाए या फिर मर जाए, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं इस प्रॉब्लम को देखते हैं और ऐसे ही कुछ सॉल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं, चेंज लाने की कोशिश करते हैं, वहीं पे आते हैं पेस्टर ली। पेस्टर ली ने सोचा कि अब ऐसा बहुत नहीं होगा जहाँ पे सिंगल मदर मजबूरन अपने बच्चों को छोड़ेगी। उन्होंने एक चर्च में एक होल किया जहाँ पे इन्होंने एक बॉक्स बनाया जहाँ पे कोई भी मदर सिक्योरली आके एक भरोसे के साथ अपने बच्चे को वहाँ पे छोड़ सकती है और वो जा सकती है, और वहाँ पे उस बच्चे की वेट के जैसे उसका वेट आएगा तो 10 सेकंड के अंदर एक अलार्म बजेगा और 10 सेकंड के अंदर कोई भी व्यक्ति आएगा उस बच्चे को कलेक्ट करेगा, और उस चर्च में उस बच्चे को अच्छे से बड़ा किया जाएगा, उसकी टेक केयर की जाएगी, उसको खाना खिलाया जाएगा, उसको एक बेटर फ्यूचर दिया जाएगा। उस बच्चे को जब तक पाला जाएगा जब तक उसको ऑर्फनेज नहीं भेजा जाता, और उस ऑर्फनेज में उस बच्चे को एक नया घर मिलेगा, एक नई जिंदगी। पेस्टर ली ने ये आइडिया दिखाया कि किस तरीके से अगर कोई भी सिंगल मदर है जो मजबूरन अपने बच्चों को स्ट्रीट पे छोड़ जाती है, स्ट्रीट पे छोड़ने के बजाय आप वहाँ पे आइए और अपने बच्चों को बॉक्स में छोड़ दीजिए, उसकी पूरी गारंटी वो देते हैं कि उनको एक बेटर फ्यूचर मिलेगा, एक बेटर लाइफ मिलेगी, जहाँ पे कि इंसान जो इतने सारे बच्चों की ज़िंदगी को बचा रहा है, और इन्होंने अब तक ऐसे ही 1600 छोटे बच्चों की ज़िंदगी को बचाया है। और बहुत से बच्चे जो आते हैं वो फिजिकली और मेंटली डिसेबल्स होते हैं, जिनके पेरेंट्स तो परेशानी में आके छोड़ देते हैं, और 60% जो सिंगल मदर होती है वो टीनेजर होती है, जो शिकार होती है या तो टीनेज प्रेगनेंसी का या रेप का, क्योंकि सोसाइटी में उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ऐसे बच्चे को रेस करना इतनी छोटी उम्र में या ऐसी सिचुएशन में, जिसकी वजह से उनको वहाँ पे छोड़ना पड़ता है। पेस्टर ली ने सिर्फ बच्चों की जान ही नहीं बचाई है, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा रोल निभाया सिंगल मदर के लिए भी। वो सिंगल मदर को काउंसलिंग करते हैं, उनको सिखाते हैं और उनको फाइनेंशियल हेल्प भी देते हैं। जो सिंगल मदर है उनको बताते हैं कि आप अपने बच्चे को कैसे रेस कर सकते हैं, उनको हर चीज़ की हेल्प दी जाती है, उनको सबसे इम्पॉर्टेंट जो है लव एंड सपोर्ट दिया जाता है जहाँ सोसाइटी में उनको नहीं मिलता है। उनको दिखाया जाता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, वो अपने बच्चे को रेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है, उनको लव एंड सपोर्ट किया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है जो मदर है जिनको मजबूरन छोड़ना पड़ता है। पेस्टर ली ने एक चीज़ और देखा, जितने बच्चे मदर अपने छोड़ के जाते थे, जितने बच्चे वो बॉक्स में वो एक लेटर छोड़ के जाते थे जिसमें लिखा होता था कि वो एक दिन जरूर आएंगे अपने बच्चे को वापस लेने, तो तब तक इनकी टेक केयर करना, वो बहुत प्यार करती है अपने बच्चे से, लेकिन मजबूरन उनको ये छोड़ना पड़ रहा है। हर मदर की अपनी अपनी एक स्टोरी होती है कि क्यों वो अपने बच्चे को वहाँ पे छोड़ के जा रही है, लेकिन उसके बावजूद पेस्टर ली उन बच्चे को अच्छे से पालते हैं, पोसते हैं। और एक दिन ऐसा हुआ जब 30% से भी ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं, जो सिंगल मदर है, अपने बच्चे को वापस ले गई। 30% से भी ज़्यादा सिंगल मदर जो अपने बच्चे को छोड़ गई थी वो वापस ले गई। बहुत से बच्चों को ऑर्फनेज भेज देगा जहाँ पर उनका नया घर मिला। पेस्टर ली ने
बच्चों की जिंदगी को बचाया और मदर को सिखाया, एक सोसाइटी में एक वैल्यू दी कि वो किस तरीके से अपने बच्चे को रेस कर सकती है, उनको सपोर्ट दिया जहाँ पे कोई भी इंसान उनके सपोर्ट के लिए आगे नहीं आया। ऐसे ही पेस्टली जैसे लोग सोसाइटी को एक बहुत अच्छा करते हैं और दुनिया को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं। ऐसे लोग उम्मीद को जगाए रखते हैं ऐसी सिंगल मदर के लिए, लोगों के लिए कि कितनी प्रॉब्लम आए कोई ना कोई ऐसा आता है जो एक सिचुएशन में एक लाइट का काम करता है लोगों के लिए, और जो हमें सिखाता है कि पेस्टली जैसे लोग ह्यूमैनिटी को एग्जिस्ट करते हैं और कैसे एक स्मॉल आइडिया, एक स्मॉल स्टेप वर्ल्ड में चेंज ला सकता है। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके, जितने लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। शेयर दिस स्टोरी। थैंक यू सो मच।